So chapter 7 is system of particles and rotation. So system of particles पे हम लोग पहले focus करेंगे. System of particles और rotation rotation मत आएगा. One of the difficult chapter, most difficult chapter you can say for JE Advanced. आयुष मार्क्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. वो अपलोड नहीं हो पाया, अभी हो रहा है वो अपलोड. रोटेशन अपना मजा आएगा, अच्छा खासा मजा आएगा. मिस मत करना क्लास, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास पे आज हम लोग बस फोकस करेंगे. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जैसे सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इंटायर मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड है. जैसे मान लो ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, यूनिफॉर्म बॉक्स है, तो हम लोग काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हम लोग इसका पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. गलत नहीं हो जाएगा? गलत होगा, बट अपने कैलकुलेशन के लिए. जैसे तुम एम जी फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इस पर एम जी फोर्स लगा है, तो क्या बताओगे एम जी फोर्स कहाँ पर लग रहा है, किस पॉइंट पे? तो मुझे तो कुछ डिफाइन करना ही पड़ेगा ना इस टाइप का, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पर अलग एम जी, सारे पॉइंट का अलग अलग इंडिविजुअल एम जी है, सब पॉइंट का मास एम जी लग रहा होगा. सेंटर ऑफ मास का एक नेचुरल कॉज क्या होता है, कि किसकी वजह से ऐसा मतलब फिनोमिनल प्रोड्यूस होता है? कि अगर आप इतना धक्का मारोगे तो सेंटर ऑफ मास पे तो हल्का सा भी धक्का मार के बड़ी बड़ी चीजें हिल सकती हैं. हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग पुश कहाँ कर रहे हैं. जैसे अगर तुम बिल्कुल तुमको मूव कराना है, ज्यादा बेटर होगा टॉपलिंग वाला केस समझने में. जैसे मान लो तुम ऐसा है, एक बॉक्स है, तुम इसको यहाँ पर पुश कर रहे हो, तो कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन होता होगा कि ये ऐसे घूम गया, ऐसा कभी हुआ है? सबके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है. मतलब हम लोग को डिपेंड करता है कि हम लोग फोर्स कहाँ लगा रहे हैं और हमें कौन सा मोशन प्रोड्यूस करना है. अगर मान लो ये वाला मोशन प्रोड्यूस करना है तो मैं एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा, मैं बीचों बीच फोर्स नहीं लगाऊंगा. अगर मुझे उसको केवल आगे मूव कराना है, बस आगे मूव कराना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नीचे मूव करे ताकि ये ऐसा मोशन नहीं हो. तो अलग अलग पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो अलग अलग टाइप ऑफ मोशन होगा. तुम ये देखे होगे, सब लोग एक्सपीरियंस किए होगे. अगर नहीं एक्सपीरियंस किए हो तो कर लेना आज, ट्राई करना क्या बनता है ऐसा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हम लोग एक इमेजिनरी पॉइंट है. इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट विच इमेजिनरी पॉइंट और द पॉइंट एट विच algebraic sum of moment of weight of all the particles of an object is zero. This point is called center of mass. ठीक है पार्थ, लेकिन इतना अब moment of force अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग उसके टर्म में अभी नहीं explain कर रहे. तो it is an imaginary point at which we can say that the entire mass is concentrated. Entire mass is concentrated. पार्थ, वो वाला डिफिनेशन हम लोग रोटेशन के बाद देखेंगे, टॉर्क जब पढ़ लेंगे उसके बाद. तो अभी के लिए हम लोग इसको एक इमेजिनरी पॉइंट बोल रहे हैं. जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेटली? एकदम पेट के बीच में. पेट के बीच में, वो बेली बटन के आसपास. हाँ, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा. जैसे मान लो अगर ये है, ये एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म लेट्स से क्यूबॉइड. यूनिफॉर्म मतलब इसका मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो कहाँ पर होगा? डायगोनल के इंटरसेक्शन पे. बॉडी डायगोनल के इंटरसेक्शन पे. अगर लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? सर तो हाईएस्ट डेंसिटी पॉइंट हो जाएगा.
जिधर ज्यादा डेंसिटी है उस तरफ अपना होगा सेंटर ऑफ मास। वो हम लोग अगर तुमको इक्वेशन दे रखा होगा तो हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग को निकालना है। अगर मुझे डेंसिटी का इन्फॉर्मेशन पता है कि डेंसिटी कैसे वैरी कर रहा है तो वो हम लोग निकालना सीख लेंगे। अब जैसे ये एक रॉड है, जस्ट यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर पे होगा। अगर आपने हाईएस्ट डेंसिटी पॉइंट क्यों बोला वो नहीं समझा। क्योंकि जिधर जैसे मान लो ऐसा है, प्रतीक्षा ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इस साइड वाला स्टील का बना हुआ है और इस साइड वाला कोई कोई लाइट डेंसिटी बताओ, बहुत लाइट डेंसिटी प्लास्टिक, प्लास्टिक लेट्स से प्लास्टिक, तो सोचो किधर होगा सेंटर ऑफ मास? स्टील वाले साइड पे होगा। तो जिधर हाईर डेंसिटी है उस साइड हो गया, ठीक है? और सर जिधर भी मास ज्यादा होगा उसी तरफ होगा क्या हमेशा? हाँ, जिधर भी मास ज्यादा होगा उधर होगा हमेशा। मैं तुमको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो मास पे डिपेंड करता है। आप पिछला पेज वापस दिखा सकते हो? हाँ, थोड़ा सा बाकी का। अभिजीत मतलब बेसिकली मास डेंसिटी कैसे वैरी कर रहा है ना उस पर डिपेंड करेगा। अगर यूनिफॉर्म है मास डेंसिटी तो फिर सेंटर पे होगा मास डेंसिटी। अगर एक साइड ज्यादा एक साइड कम है तो जिधर ज्यादा मास डेंसिटी होगा उस साइड होगा। डन ये वाला, ओके। अब नेक्स्ट है कि हम लोग ये सेंटर ऑफ मास पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास पेन है अभी हाथ में, काम करो पेन को फेंक दो, तो पेन कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा प्रोजेक्टाइल जैसा अगर तुम फेंकोगे तो। लेकिन तुम अगर एक्चुअल में देखो, मतलब अज्यूमिंग कि अभी एयर ड्रैग नहीं काम कर रहा है, तो लेट्स से ये पेन अभी ऐसा है, तुम पेन को घुमा के फेंको तो थोड़ी देर बाद पेन ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद पेन ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मान लो ये पॉइंट मार्क किया हुआ है तो हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर थोड़ी देर बाद पेन ऐसा होगा, फिर ऐसा, कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा क्या? ये जो रेड डॉट है वो इधर पहुंच जाएगा। हाँ सर। तो जैसे जो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं, वो प्रोजेक्टाइल हम लोग किसके लिए पढ़े हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़े थे अभी तक, राइट? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग का एकदम बिल्कुल जैसे प्रोजेक्टाइल होता है बिल्कुल सेम फॉलो किया था। लेकिन जब हम लोग का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है लाइक पेन, तो वो क्या हो रहा होगा? घूम भी रहा होगा और साथ साथ प्रोजेक्टाइल भी फॉलो कर रहा होगा, है ना? तो एक पॉइंट ऐसा है, तो ये सेंटर ऑफ मास को अगर तुम प्लॉट करो ना हर पॉइंट पे, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो परफेक्ट प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो परफेक्ट प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। सेंटर ऑफ मास परफेक्ट प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा होगा, तो इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस भी है कि ये एकदम परफेक्ट जा रहा है, तो हम लोग सारा चीज इस पे हम लोग फोकस कर लेंगे। करके देख लो अगर नॉन-यूनिफॉर्म रॉड फेंका जिसका एक साइड पे डेंसिटी ज्यादा है और दूसरे साइड पे कम है, देन क्या होगा? देन क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका भी हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। तो वो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होगा ना वो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, बाकी प्रोजेक्टाइल नहीं फॉलो करेगा। बाकी जैसे तुम इस रेड पॉइंट का मार्क करो, तो रेड पॉइंट कैसे ट्रेवल कर रहा है? कुछ भी है ऐसा कुछ बात है, तो सेंटर ऑफ मास उस केस में भी एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, बाकी पॉइंट कोई भी रैंडम मोशन होगा। पर सेंटर ऑफ मास वेरिएबल हो सकता है एक पर्टिकुलर केस। सेंटर ऑफ फॉर ए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास हमेशा सेम रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम लोग उसका मास चेंज कर रहे हैं समहाउ।
अगर हम उसका कंसंट्रेशन ऑफ मास एक जगह पे बार बार बदल रहे हैं तो फिर तो बदलेगा ना सर, मतलब जैसे सर जैसे बॉटल में पानी भर दिया. हाँ, अगर तुम ऐसे कर रहे हो फिर वो ठीक है. अगर तुम ऐसे बॉटल में पानी भर दिया यहाँ तक, तो फिर अभी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा लेट से. अब तुम बोलोगे कि बॉटल कर दिया, तो फिर चेंज कर जाएगा सेंटर ऑफ मास, सॉरी इधर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो फिर ऐसे केस में हो जाएगा. लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेम है, हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ मैं, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग डेंसिटी नहीं चेंज कर सकते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम रहेगा. अगर समहाउ किसी तरह जैसे मान लो मैंने एक साइड से हीट किया या समथिंग ऐसा किया जिसके कारण मास डेंसिटी चेंज कर गया, जो अपना मास डेंसिटी था वो ऑल्टर कर गया, पहले किसी तरफ ज्यादा डेंसिटी था अब उधर कम हो गया, तो फिर अपना सेंटर ऑफ मास चेंज कर जाएगा. बट फॉर अ फिक्स्ड शेप उसको तुम किसी भी ओरिएंटेशन में रखो अपना चेंज नहीं करेगा सॉलिड. यस खुशी, वी कैन चेंज बाय चेंजिंग द शेप. अगर अनइवन, एक क्वेश्चन है, अगर अनइवन शेप का स्टोन फेंका तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे आयुष, हम लोगों को क्वेश्चन में दे देगा कि कहां पर है इसका सेंटर ऑफ मास. अनइवन शेप का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. अगर तुमको डेंसिटी भी देगा ना तो वो एक जैसे ऐसे ऐसा है, मान लो एक रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो तुमको ऐसा बोलेगा कि अगर हम लोग यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाएं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाएं, तो इस पॉइंट पर जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट इंटू वन प्लस एक्स बाई एल है. तो जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं उसका डेंसिटी बढ़ रहा है, या फिर एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है. तो अगर तुमको ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है तब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं. लेकिन रैंडम ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. यस विश्वजीत, इंस्टेड ऑफ वाटर इफ यू पुट अ सॉलिड मास इन बॉटल देन. ओके, अगर तुम सॉलिड मास डाल दो, यहाँ पर तुमने कुछ सॉलिड डाल दिया सच दैट ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, तो अगर तुम इसको इन्वर्ट करोगे तो मान लो ये पॉइंट पी जो है ये सेंटर ऑफ मास है एक्स डिस्टेंस पे, अब तुमने इसको इन्वर्ट कर दिया तो ये सॉलिड यहाँ रहेगा, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा पॉइंट पी पे ही एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, वो चेंज नहीं करेगा फिर अगर वो फिक्स है तो. ओके ओम, और किसी का कोई डाउट? सर आप पानी का रिपीट कीजिए. हाँ, अगर लिक्विड है, वैसे मान लो तुम्हारे पास वो वाला जो तुम लोग देखे होगे ना वो समथिंग चैलेंज, वो बटल फ्लिप करके ऐसे फिक्स करता है, तो उसमें तो उसमें क्या होगा, पानी पानी क्या होगा, जैसे मान लो तुमने उसको फ्लिप कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा ना, पानी यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा डेंसिटी नीचे ज्यादा मास हो गया तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा. पहले ये एक्स पर था तो अब यहाँ से जरूरी नहीं है कि एक्स पे हो, कुछ और डिस्टेंस पे हो सकता है. फाइन, ओके सर. ओके, अब आते हैं कि हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं. तो जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, लेट्स से पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इफ वी, एक डाउट है, इफ वी रोटेट द ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन द सेम. यस अथर्व, अगर हम रोटेट करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अंटिल एंड अनलेस हम लोग मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे ना, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास को. ओके, अच्छा अब देखो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मास है, पॉइंट मास हेडिंग दे दो. अगर पॉइंट मास है तब क्या करना है मुझे, ये लेट्स से m1 है, इसका x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, z कोऑर्डिनेट z1, m2 x2 comma y2 comma z2, m3 x3 comma y3 comma z3.
तो इसमें हम लोग का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है कि और भी लेट्स से m4 है x4 कॉमा y4 कॉमा z4, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जब हमें निकालना होगा वो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब ये है कि ये कैसे आया, या फिर तो देखो m1 क्या करेगा, m1 अपनी तरफ खींचना चाहेगा, m2 अपनी तरफ खींचना चाहेगा सेंटर ऑफ मास को, m1 m2 m3 m4 ओम इन सारे पार्टिकल का मास है, m1 m2 m3 m4 इन सारे पार्टिकल का मास है, और x x xi yi zi जो है वो कोऑर्डिनेट्स है, तो हम लोग x सेंटर ऑफ मास को ऐसा लिखेंगे, y सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे समेशन ऑफ एम आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, एंड सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी समेशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। तुमको इसका जैसा बना दिया, हाँ वो सोच इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसका सेंट्रोइड पे होगा। ठीक है, तो पॉइंट मास का हम लोग x कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं, z निकाल सकते हैं। अब जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, याद हो गया सर? एक मिनट, प्रश्न आ रहा है, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर चार पॉइंट मासेस है m1 m2 m3 m4 जितने भी पॉइंट मासेस है उन सब का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बस फॉर्मूला है समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, सिमिलरली इन वाई एंड जेड एज वेल। ओके रुशिक, ये वाला रुशिक आई का लिमिट क्या है, आई देखो आई अब जितना मासेज होगा तुम्हारे पास, एक मास है तो चार मासेज है तो m1 m2 m3 m4, तीन है तो m1 m2 m3 i 1 2 3, अगर पांच मासेज है तो i 1 2 5। ओके क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, यहाँ पर एक पॉइंट मास है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में है, वन के जी का, यहाँ पर एक टू के जी का मास है, ए कॉमा जीरो, ओके जस्ट अ मिनट, ये थ्री के जी है, ए कॉमा ए, और यहाँ पर फोर के जी है, जीरो कॉमा ए, तो बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, 1 2 3 4 ऑन स्क्वायर ऑफ एज लेंथ ए। हां इस रूट सर वो ए है कि 9 है, ए ए ए ए सारे जगह ए है, ए कॉमा ए 0 कॉमा ए और मास है 1 2 3 4। हाँ ज्योति हो गया, सर सारे पॉइंट्स का मिला के
हाँ सेंटर ऑफ मास हमेशा हम लोग सारे पॉइंट पे मिला के बात करेंगे, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. हाँ सिर्फ पॉइंट मास के लिए, अन्य नहीं. अरे देखो फाइव ए तुम आंसर दियो ना यार, फाइव ए तो पॉसिबल ही नहीं है ना. फाइव ए कहाँ होगा, ये डिस्टेंस ए है तो फाइव ए कहीं इधर होगा, तो फाइव ए तो पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पर सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता है ना. सॉरी सर मैं डिवाइड नहीं की वो गलत. ओके ओके ठीक है. अनीश एक सही है एक गलत है शायद. एक्स वाला तो सही है सबका. ओके सोनल सही है, विश्वजीत सही है, पार्थ सही है, ओम सही है. ठीक है सिंपल सा है. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये 0.0 है तो 1 × 0 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 0 अपॉन 10 दैट इज 5a बाई 10 दैट इज a बाई 2. एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 प्लस 0 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3a प्लस 4a बाई 10 दैट इज 7a बाई 10 प्लस मास इंटू x. जैसे यहाँ पहले वाले क्लिक किया तो 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0, 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट a तो 2a हो गया, 3 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट तो 3a हो गया, 4 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया. सिमिलरली अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सिमिलरली y. 10 डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या था अथर्व, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, तो सारे मास को ऐड करो, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10. ओके अथर्व ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सा था ये, लॉजिक समझ नहीं आया. प्रश्न ना फॉर्मूला है हमारे पास, जस्ट फॉर्मूला में तुम्हें पुट करना है. हाँ सर वो लॉजिक मतलब कैसे, फॉर्मूला का डेरिवेशन तुम्हारा उसमें हो जाएगा जेई वाले लेक्चर में, पूरा डिराइव कर लोगे तुम उसमें. ठीक है पार्थ अभी कोई आइडिया नहीं है, स्कूल से आता है तो बताता हूँ, जैसे आएगा बताता हूँ. चलो क्वेश्चन नंबर 2. ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है आइडेंटिकल, और ये तीसरा रॉड है, तीनों आइडेंटिकल रॉड है, ऑल द थ्री डॉट्स आर आइडेंटिकल. एज लेंथ एल, थ्री डॉट्स आर आइडेंटिकल, फाइंड द सेंटर ऑफ मास. सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ये मत बोल देना कि सेंट्रोइड पे होगा और डायरेक्ट आंसर लिख देना सॉल्व करके. वो कितने लोग को इंटीग्रेशन में दिक्कत है हैंड रेज करना, किसी को है क्या इंटीग्रेशन में दिक्कत? ओके ओम ऋतुराज देवल अद्वैत हर्ष
अभिजीत ठीक है चलो फिर मैं इंटीग्रल फॉर वाला क्वेश्चन होगा तो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी यार अभी तो नहीं, दिवाली के बाद देखते हैं इफ पॉसिबल. ओके अभिजीत कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन वाला अभी ऐसा अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, वो तुम्हारे मैथ्स में हो जाएगा, उसके बाद अब फिजिक्स में रिक्वायर्ड है तो मैथ्स में हो जाएगा. सर इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं आता, इंटीग्रेशन में पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है फिजिक्स में. हमें इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन अभी रोटेशन में नहीं रिक्वायर्ड होगा, कहाँ जाके रिक्वायर्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड होगा, वो तुम्हारा अप्रैल मई में होगा तो उस टाइम तक तुम्हारा हो जाएगा मैथ्स में थोड़ा बहुत. ओके आई बाई टू एंड थ्री आई स्क्वायर बाई एट का पावर हाफ कितना गंदा आया है फिर, वो एल है. अच्छा थ्री एल स्क्वायर ओके पावर हाफ है तो वो क्या बन जाएगा रूट थ्री एल बाई एट. यार सेंट्रॉइड आना चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एल बाई टू आना ही चाहिए और y कोऑर्डिनेट आना चाहिए l रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई थ्री, एल बाई टू रूट थ्री आना चाहिए y और x जो आना चाहिए वो l बाई टू आना चाहिए. एक बार चेक सर यही आ रहा है. ठीक है तो प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालो. इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका बीच में होगा कहीं, इसका यहाँ होगा. लेट्स से तीनों का मास, तीनों आइडेंटिकल है तो तीनों का मास m है लेंथ l है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं l बाई टू कॉमा जीरो है इस सेंटर सेंटर का, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो l बाई टू कॉमा जीरो पे है. इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या है इस वाले पॉइंट का, l बाई फोर. l बाई फोर ये लेंथ है l बाई टू और ये एंगल होगा 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल तो l बाई टू कॉस 60 दैट इज l बाई फोर. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, रूट थ्री एल नहीं 4/4. हाँ l बाई टू है ये लेंथ तो l बाई टू इंटू साइन 60 तो l बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू तो l रूट थ्री बाई फोर. सिमिलरली इसका बताओ ये वाले पॉइंट का, ये वाला लेंथ होगा अपना l बाई फोर तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा l माइनस l बाई फोर दैट इज 3l बाई फोर और y तो सेम रहेगा. अब बस फॉर्मूला में पुट करो तो आ जाएगा आंसर राइट. कोई डाउट किसी को, x सॉल्व करें या हो जाएगा x l बाई टू आएगा y एल रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई वन इज टू थ्री. वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ओम, वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट जैसे यहां पर क्या है ना, अगर तुमको ऐसा दिया होता कि मासेस एक यहां पर पॉइंट मास है एक यहां पर पॉइंट मास है एक यहां पर पॉइंट मास है तब हम लोग वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट से करते हैं आंसर सेम आता, तुमको आंसर सेम आ गया होगा वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट वर्टिसेस वाला लिए होगे तो भी आंसर सेम आ गया होगा. बट बिकॉज द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रॉड द सेंटर ऑफ मास विल बी एट द मिड पॉइंट, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास तो हम लोग को ये लेना है तो आंसर सही है बट वहां पर प्रोसेस गलत हो जाएगा वो वाला. ओके यस सर ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सारे क्यूबॉइड है, एक ये क्यूबॉइड है
of dimension 10 cross 10 units. एक क्यूबॉइड में नहीं बना रहा हूँ, क्यूबॉइड मान लो. उसके बाद एक ये है क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 20x20, फिर एक और क्यूबॉइड 40x40, फिर एक और क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 80x80 ज्यादा हो गया यार, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ. 10, 20, 30, 40 ले लो. हाँ लास्ट वाला है ऑफ 40, एक क्यूबॉइड है सारे. इसका डेंसिटी है रो, इसका डेंसिटी है 2 रो, इसका डेंसिटी है 3 रो, इसका डेंसिटी है 4 रो. अगर मैं इसको अपना ओरिजिन मानूं, इस पॉइंट को, तो बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ लग करेगा. Density is mass density, mass per unit volume, volume density basically. नहीं ओम, बड़ी वैल्यू के देनी थी, बड़ी वैल्यू तो बहुत बड़ी वैल्यू है. नहीं नहीं ज्यादा लंबा नहीं जाएगा इसका. तुम ऐसा करो ना, इसका मास एज्यूम कर लो कि एम है, तो इसका मास क्या आएगा? अगर इसका मास m है पहले वाले का, तो सेकंड वाले का मास क्या होगा? 16m. 16m. इसका मास क्या होगा? 81m. 81m. और चौथा वाले का? 256m. ये सबको समझ में आया क्या? अगर मैं इसका मास m एज्यूम करूं पहले वाले का, तो देखो पहले वाले का वॉल्यूम क्या है? 10 × 10 × 10 और into row, इसको मैं m assume कर रहा हूँ. तो second वाले का देखो क्या है, 20 × 20 × 20 × 2 row, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the 4 to the 8 × 10 × 10 2 to the 4 to the 8 × 2 16 हो जाएगा ना ये 16 times of ऐसा, तो ये हो जाएगा 16m. तो इसका मास मैंने 16m ले लिया. सिमिलरली जो थर्ड वाला ब्लॉक होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? 30 × 30 × 30 × 3 रो, तो इसका मास हम लोग लिख सकते हैं 3 × 9 = 27 × 3 = 81 × 10 × 10 × 10 × रो. तो ये क्वांटिटी तो m है, तो इसका मास हम लोग क्या लिख सकते हैं? 81m और इसका 256m. Then
ठीक है, अब सबका x कोऑर्डिनेट निकालो. इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा, पहले वाले का m का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का? सर 5.5. अच्छा 16m का z वाला नहीं लेंगे? z वाला भी ले लो. z वाला क्या, z वाला इग्नोर करो अभी, क्योंकि z वाला में फिर ब्लॉक कहाँ रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा, मतलब कैसे रखे हैं. तो बस अभी मैं x y पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ. z वाला अगर तुम लोगे तो वो भी 5 होगा. नेक्स्ट वाला ले लो, नहीं फर्क पड़ता है. हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो बैक फेस है क्यूबॉइड का वो जस्ट एक्स वाई प्लेन पर है, बाकी सब कुछ उसका ऊपर है. तो इसका जेड कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 5. 16m का क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट? ट्वेंटी. क्योंकि देखो यहाँ पर इसका सेंटर होगा, तो ये लेंथ होगा मेरा 10 और ये पहले से 10 है, तो 10 प्लस 10 20. वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 20. नहीं, 10. और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 10. जेड भी तो बीच में ही होगा ना उसके. जेड नहीं आया. हम लोग जेड ऐसा लिखे हैं कि इसका जो बॉटम वाला फेस है ना क्यूबॉइड का, वो एज्यूम करो एक्स वाई प्लेन पर है और बाकी सब कुछ उसके ऊपर है. तो Z में जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके बीच में होगा. तो टोटल हाइट 20 है, तो बीच वाला हाइट क्या होगा, 10 होगा ना. ठीक है, एट्टी वन एम का बताओ क्या आएगा x कोऑर्डिनेट? 45. क्योंकि ये 15 होगा इसका मिड पॉइंट और पहले से ये कितना है, 30 है. तो यहाँ पर बस x कोऑर्डिनेट में गड़बड़ होने का चांसेस है. y z तो अपना सिंपल सा है, 15 15, है ना. और 256m का बात करो तो ये क्या हो जाएगा, 80, 20, 20. ठीक है, तो इन चारों डेटा से तुमको देख के y और z के बारे में क्या पता चल रहा है, दोनों सेम आएगा क्या? दोनों सेम आएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा. तो हम लोग आइदर वाई या जेड निकालेंगे और बोलेंगे वही होगा दूसरा वाला भी. अब निकालने में क्या है, 5 × m + 20 × 16m. x कोऑर्डिनेट मैं निकालता हूँ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 5 × 20, 5m + 320, मतलब m को मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी. ठीक है, 5 + 16 × 32, 5 + 320. या फिर लिख लो 5 + 320 + 45 × 81. अरे 364. 36 कितना, 3645 m plus 80 × 256. 256 20480 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ. Yes. 20480 अपॉन m प्लस 16m प्लस 81m, m प्लस 16m प्लस 81m, 354. तो देखो हम लोग का m m तो कैंसिल आउट हो जाना है. ऊपर वाला सम किए हो क्या? Okay. 24450 divided by 354, 69.06. ठीक है, बस यहाँ पर कैलकुलेशन था. एक्चुअली मैंने डेटा चेंज कर दिया था. एक्चुअली क्वेश्चन में जो एक्चुअल क्वेश्चन है इसका, उसमें क्या था
डेंसिटी सबका सेम रखा था तो कैलकुलेशन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ था, सबका डेंसिटी सेम रखा था चारों ब्लॉक का, मैंने डेंसिटी भी चेंज कर दी है। ठीक है, सिंपल सा है, बस मुझे मास निकालना है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, फिर समेशन ऑफ एम आई एक्स आई कर देना है, राइट। कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से सेंटर ऑफ मास सारे पार्टिकल का हमें निकालना है। ओके जेड एक्सिस का, देखो जेड एक्सिस का सीन क्या है, पहले तो सिचुएशन समझो जेड एक्सिस कैसा है। अगर मैं इसको अलग सा व्यू बनाऊं, लेट्स से मैं कौन सा एक्स वाई बनाया हूं ना, तो अगर मैं एक्स जेड व्यू बनाऊं इसका, ये एक्स में है और ये जेड में है, तो एक्स जेड व्यू ऐसा है मेरा ब्लॉक्स का, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक और ये चौथा ब्लॉक, ऐसा तुम फिगर आउट कर सकते हो क्या? Yes. तो बस अब देखो जेड कोऑर्डिनेट, अब लिखना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए सबका, फाइन। जस्ट सोचो कैसा होगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है ना? Yes. चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व किया हुआ। अब मुझे क्या पता है कि पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर पे, ठीक है। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो लेट्स से सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, लेट्स से हमारे पास एक रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l, मैं यहां से इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करने का कोशिश करता हूं। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? समेशन ऑफ m i x i अपॉन समेशन ऑफ m i, ये किसके लिए था? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। यही अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस पॉइंट मासेस, यही अगर हम बस कंटिन्यूअस मासेस होगा, जैसे ये है, इसमें मास क्या है? कंटिन्यूअस है, पास पॉइंट जैसा तो नहीं है, कंटिन्यूअस मास, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या चेंज होगा? एक्स सेंटर ऑफ मास, कोई बताएगा क्या चेंज करेंगे? शायद xi में लिमिट्स डालना पड़ेगा। ओके okay. y को जो मतलब आप जो ये लिया मतलब शेड किया उस साइड में मतलब जो लीस्ट पॉइंट है वो नीचे से ऊपर तक का शेड लिमिट लेके फिर m को कांस्टेंट बाहर लेके फिर उस पे शेड इंटीग्रेट करना। ठीक है चलो ओके okay. बढ़िया इंटीग्रल x dm करके इंटीग्रल एक्स डीएम करके अपॉन इंटीग्रल डीएम करके, सही है प्रतीक्षा। ओम कंटीन्यूअस मास मतलब कि जो मास है ना, जैसे लास्ट केस में क्या था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ये सारे देखो, जो पहला था पॉइंट मासेस, कि मास डिस्क्रीट था, यहाँ पर एक पॉइंट पॉइंट बहुत छोटा सा पार्टिकल है उसका मास है एम1, यहाँ पर बहुत छोटा सा पार्टिकल है m2, लेकिन अगर ऐसा कुछ पार्टिकल है बड़ा सा है तो फिर उसको हम लोग कंटीन्यूअस मास बोल रहे हैं, जैसे डिस्क है, रिंग है, ऐसा कुछ फिगर है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस मास बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे मान लो इसका रॉड का निकालना है, तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा मान लो, ये वाला टुकड़ा का बात कर रहा हूँ, तो लेट्स से इस टुकड़े का मास डीएम है और ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, तो समेशन ऑफ एम आई एक्स आई तो क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स, वो उस टुकड़ा के लिए हुआ फ्रॉम आई इक्वल टू जीरो टू एन। इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, अगर बहुत डीएम बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा लिए है, तो उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम। तो फॉर कंटिन्यूअस मास मेरा फॉर्मूला इसमें चेंज कर जाएगा, समेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन, राइट।
कोई दिक्कत यहाँ तक? समेशन ही इंटीग्रेशन है अपना, और या समेशन ऑफ एम आई दैट इज टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर तुम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम लिखो। ओके ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया डीएम मास का, ये ब्लैक वाला बहुत छोटा सा टुकड़ा है। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, ऐसा था ना एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो इस छोटे से टुकड़े का बात करो, इस डीएम टुकड़े का, तो इस डीएम के लिए क्या लिखेंगे समेश, एम वन एक्स वन क्या आएगा एक्स इंटू डीएम, ठीक है, तो वो एक्स इंटू डीएम हुआ। तो वैसा मैंने एक्स इंटू डीएम लिखा उस पार्टिकल के लिए, फिर नेक्स्ट पार्टिकल के लिए लिखो, फिर नेक्स्ट पार्टिकल के लिए लिखो, और सबको एड करना है मुझे, ठीक है, सारी पार्टिकल को। तो मैं उसको क्या करूंगा, सारे पार्टिकल के लिए मुझे ऐड करना है, तो उसको मैं समेशन लगा दूंगा। ठीक है ओके तो आई अंडरस्टूड, ओके फाइन। तो अब देखो हम लोग ये कंटिन्यूअस मास के लिए हमारे पास ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो इस रॉड के लिए अगर मुझे निकालना है तो ये अपना जो कंटिन्यूअस मास तक कंटिन्यूअस मास का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे एक टुकड़ा लो बहुत छोटा सा dx विड्थ का, इस टुकड़े का मास क्या होगा, x dm, नहीं मान लो इसका टोटल मास m है, लेंथ l है, सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ओके और कुछ, अच्छा मैं डेंसिटी वाला तुम लोगों को बताया नहीं, ठीक है चलो मैं इसके बाद डेंसिटी वाला थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर मास जो है हम लोग का तीन टाइप ऑफ डेंसिटी होता है, एक जो तुम लोग जानते हो दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंड दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। एक होता है एरिया और सरफेस मास डेंसिटी या फिर सुपरफिशियल मास डेंसिटी, जनरली एरिया मास डेंसिटी बोलते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तुम लोगों को पता है ना ये लैम्डा है ये सिग्मा, लैम्डा तो पता ही होगा, सिग्मा पता है, अगर नहीं पता है तो लिख लेना एस आई जी एम है, सिग्मा, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। और थर्ड टाइप ऑफ डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो तुम लोग को अभी तक डेंसिटी पता है, राइट। तो हम लोग दो और टाइम टाइप ऑफ डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी एंड एरिया मास डेंसिटी। सर लेकिन इस हिसाब से तो डेंसिटी के यूनिट्स बदल जाएंगे ना, तो मतलब हां डेंसिटी कंट्रोल बदल जाएंगे, तो वो एक ही क्वांटिटी तीन तरह से कैसे डिफाइन है डिफरेंट? नहीं नहीं, जब तुम डेंसिटी, जब केवल डेंसिटी लिखा होता है ना परीक्षा, तो इसका मतलब है हम लोग का वॉल्यूम मास डेंसिटी है, बट जब हमने लीनियर मास डेंसिटी लिख रखा है तो दैट इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी अलग अलग चीज है, हर बार डेंसिटी वो केजी पर मीटर क्यूब ही नहीं होता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है प्रतीक्षा? ओके तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर एल लेंथ का मास एम है तो इस dx लेंथ का मास क्या होगा, यूनिटरी मेथड, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इस dx लेंथ का मास क्या होगा m by l into dx, m by l into dx, राइट सर, into dx यूनिटरी मेथड यार,
L का मास अगर m है तो 1 यूनिट का मास क्या होगा m by l m by l into dx ठीक है। अब ये जो ये क्या आया ये मुझे मास आया तो इसको मैं लिख सकता हूँ उस छोटे से टुकड़ा जो मैं पिछले वाले स्लाइड में कंसीडर किया था उस छोटे से टुकड़े का मास है तो मुझे dm मिल गया राइट। तो मुझे dm मिल गया तो देखो हम लोग x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm इंटीग्रल ऑफ x dm की जगह क्या लिख दें m by l into dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ m by l into dx। अच्छा लिमिट क्या लगेगा लिमिट सोचो 0 to L क्योंकि x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है x का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0। यहाँ पर अगर यही पर वाला तुम मास ले लिए तो x का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया और अगर ये वाले टुकड़े का बात करें तो यहाँ से x का दिस वैल्यू क्या हो गया L। तो लिमिट पुट कर दो 0 टू L इंटीग्रेट करो m by L तो कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन L m by L इंटीग्रेशन ऑफ dx कैंसिल आउट x dx का इंटीग्रेशन x square by 2 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से L पुट करो तो ये आ जाएगा L square upon 2 upon L क्या आ गया आना भी चाहिए था सेम अच्छा ठीक है हो गया। अब तुम लोग का होमवर्क क्या होगा 2 मिनट दिखाना हाँ यही वाला या पिछला वाला अथर्व तुम्हारा कौन सा ये वाला या पिछला वाला सर हो गया ठीक है। अब ये हमने किसके लिए डिफाइन किया जब हम लोग का मास कांस्टेंट था मतलब यूनिफॉर्म था कांस्टेंट यूनिफॉर्म था बट लेट्स से हमारा मास वैरी कर रहा है जैसे अगर हम लोग यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आए ओके इज्जत ओके तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स डिस्टेंस पे आए यहाँ से तो इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो ऐसे वैरी कर रहा है लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस x by l जहां पर l टोटल लेंथ है तो हमें फाइंड करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होमवर्क में करोगे या मैं सॉल्व करूं सर ये लैम्डा कौन सा डेंसिटी है लेंथ मास एरिया मास लीनियर मास देखो हम लोग हमेशा लैम्डा जो है ना वो लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे तो जस्ट अ स्मॉल हिंट
यहाँ पे टुकड़ा लेना है कांस्टेंट है हाँ लैम्डा नॉट कांस्टेंट है लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट जस्ट अ हिंट यहाँ से एक टुकड़ा लेना है dx विड्थ का तो इसका मास क्या हो जाएगा उस टुकड़े का मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट लैम्डा dx क्योंकि लैम्डा क्या था मास अपॉन लेंथ ये मेरा लैम्डा था तो मुझे मास निकालना होगा तो क्या करूंगा लैम्डा इनटू लेंथ कर दूंगा लेंथ क्या है dx तो इसका मास क्या हो जाएगा dm विल बी लैम्डा की जगह पुट कर देना लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस x बाय l इनटू dx तो dm मिल गया अब बस इंटीग्रेट कर देना आई थिंक 5l बाय 9 आएगा शायद सॉल्व करके देख लेना क्या आएगा ओके किसी को आज की क्लास में कोई डाउट क्वेश्चन खुशी क्वेश्चन है कि इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास बताना है इस लाइन से सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है नॉन यूनिफॉर्म रॉड जिसमें जो डेंसिटी है ना वो ऐसे वैरी कर रहा है लीनियर मास डेंसिटी तो बताना है सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ओके फाइन ट्राई करना एक बार नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे किसी को आज की क्लास में कोई डाउट ओके अथर ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं तो फिर हम लोग एंड करते हैं ये लेक्चर फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम